द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले। इनमें से कुछ के वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग भैया जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं और हम इस देश में काम करते हैं, और अपनी फोटोज दिखाते थे। और वो फोटो नकली फोटो होती थी। गूगल पे जो डालते हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर की फोटो, कोई भी फोटो डालकर ये लोग उस फोटो को अपनी खुद की फोटो बताते थे। और उसके बाद लड़कियों से बात करना शुरू करते थे। उसके बाद वो कहते थे कि हम आपको गिफ्ट भेज रहे हैं अपने देश से, और उस गिफ्ट को भेजने के लिए लोग फर्जी रसीदें बनाते थे, फर्जी फोटो लाते थे जो एक पार्सल जैसी दिखती थी, और फर्जी गिफ्ट पार्सल के अंदर के फर्जी गिफ्ट आइटम दिखाते थे, जिसमें आमतौर पर ज्वेलरी, जूते, अंगूठियाँ, इस तरह के आइटम दिखाते हैं सबूत के तौर पर कि हमने आपको गिफ्ट भेजे हैं। उसके बाद एक महिला का फ़ोन आता था, जो महिला भारत की नागरिक है, वो गैंगटॉक की रहने वाली है। वो कस्टम अफसर बन के फ़ोन करती थी कि आपका मैडम एक गिफ्ट आया हुआ है, इस एयरपोर्ट पर आया हुआ है, और उसकी फर्जी रसीद और कोरियर और फोटो वगैरह दिखाती थी, और बोलते थे कि आप इस कोरियर में कुछ पाउंड हैं और कुछ गिफ्ट हैं। जनरली उनकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर होती थी, तो उसके अवज में उसको रिलीज़ कराने के लिए आप कुछ इंडियन रुपी दे दीजिए। वो इंडियन रुपी आमतौर पर 50-60 हज़ार रुपये, 100 रुपये, जिससे जितना नेगोशिएट करके हमारे पास FIR में करीब करीब 2.5 लाख रुपये से ठगी हुई थी एक व्यक्ति की, जिसकी हमने FIR की बाद में जाँच करी। उसके बाद जब पैसे ले लेते थे, फिर वो फ़ोन बंद कर देते थे। अब तक हम लोगों ने इन लोगों के साथ पास से 31 मोबाइल मिले हैं, 31 मोबाइल, करीब करीब हर मोबाइल पे हमको 30-40 लोगों के साथ चैट मिली है। तो मान के चले कि इस समय ये लोग कम से कम 700-800 लोगों के साथ लगातार वार्ता में थे, संपर्क में थे। साथ में 3 लैपटॉप मिले हैं। उन लैपटॉप में ये लोग रिकॉर्ड वगैरह बनाते थे कि हम लोगों ने किससे क्या ठगी करी। साथ ही साथ कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पासबुक, कुछ कैश मिला है, 31,000 रुपये कैश मिले हैं। और साथ ही साथ कुछ अकाउंट भी मिले हैं जहाँ पे करीब करीब 4-5 लाख रुपये हैं, जिनकी जो भी हम लोग जिसमें आगे कार्रवाई करें। इनकी दोस्ती हुई, ये लुक वाइज जो अच्छे पिक्चर्स होते हैं, ये वहाँ पे डाउनलोड करके इसको भेजते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस लेडी को इन्होंने ये फोटोज भेजे थे कि मैं नेवी ऑफिसर हूँ, और मतलब मेरा एक साथ ही साथ पासे के अंदर क्या है उसकी भी फोटो है, उसकी भी, लेकिन दोनों नकली है, दोनों नकली है। और उसके बाद एक कस्टम अधिकारी बन के बात करता था जो लेडी थी, और वो बेसिकली जो पकड़ी गई है वो सिक्किम की है, और वो चूंकि उनको हिंदी आता है तो वो कस्टम अधिकारी बन के इन सब बॉम्बे से फोन आता है, दिल्ली से, बॉम्बे से, बॉम्बे से, कभी बॉम्बे से, कभी दिल्ली से।